क्या भाई यार, आगे देख के चलाना चाहिए बाइक को। नाइन्टी सेवन तक यही है, 100 फोर गियर, 103 6 7, 107 तक जाती है फोर गियर में। अब देखो आगे से फ्रंट से कुछ उसकी लुक, क्या बाइक लग रही है भाई ये। बोलना बाइक की लुक बहुत अच्छी है। ये ड्यूल चैनल है, यहाँ पर भी एक सिंगल रिंग है चैनल के, यहाँ पर भी ड्यूल चैनल है वैसे ये। अच्छा यहाँ पर टोटली मॉडिफाई करवाऊंगा उसकी जरा। ये दो लाइट मतलब ऐसे ही है, ये होती है मेन मेन ये है ना, मतलब एक ही बल्ब है इसमें मेन, बाकी तो ये ऐसे लुक के लिए DRL होता है। आ रहे हैं ब्रिस्टा कॉफी पीने। पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा कैमरा लैग कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना। अपनी बाइक की शाइनिंग तो कितनी लग रही है, ये जिस GoPro में दिखनी थी इसे मैंने फोन से दिखा रहा हूँ। आज कर रहे हैं इवनिंग राइड, आज दोपहर में भी बारिश थी और अभी बारिश तो रुक गई है, उसके बाद एक बार फिर से बारिश हुई थी शाम के 4-5 बजे, अभी 6:30 के समथिंग टाइम हो रहा होगा। यहाँ से बादल कितने सही लग रहे हैं, थोड़ा आगे से दिखाता हूँ, वहाँ से ज्यादा अच्छे लगेंगे। उससे ना उससे बिल्कुल सनलाइट गिर रही है ना, इस वजह से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बादल। अब हेलमेट ले लूँ अभी, कहाँ से लेनी है? इधर रूम में ही है। अभी इनको लेना है हेलमेट, और हेलमेट शायद इन्हें रूम में रखा होगा, तो हेलमेट के साथ ही राइड करेंगे, विदाउट हेलमेट थोड़ा रिस्क हो जाता है। वैसे पर्सनली देखा जाए तो MT मुझे भी पसंद है, क्योंकि MT ना अच्छी है, मतलब कॉम्पैक्ट लगती है और लाइट वेट बाइक है, और उस पर व्हीली ना ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब MT बाइक में। इस बाइक का प्राइस भी पूछेंगे भाई से कितने की ऑन रोड है वैसे MT, क्योंकि अच्छी है और इसको चला के भी देखेंगे कैसा फील है इस बाइक का चलाने का, क्योंकि मैंने इससे पहले तो कभी आज तक MT चलाई नहीं है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है MT के साथ, तो चला के तो मज़ा आएगा बाइक को। और अब मुझे ये नहीं पता इसमें सिंगल चैनल है या ड्यूल चैनल है, इसमें आई थिंक ना दो वेरियंट आते हैं, एक सिंगल चैनल भी आता था जहाँ तक मुझे पता है, तो ये दूसरा वेरियंट होगा। रिएक्शन खतरनाक वाले मिले हैं पीछे, बंदे देख रहे थे। इसके इंडिकेटर में पानी चला गया, मुझे लगता है कोई इतने खास क्वालिटी के नहीं चाहिए। ओ भाई यहाँ से तो एकदम से हो गया, इधर जाना जाओ। अभी भाई जा रहा है हेलमेट लेने, मैं यहाँ पर लगाता हूँ साइड पे बाइक, जैसे वो हेलमेट लेके आता है फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो अपनी बाइक, मैंने ना इसे वॉश नहीं कराया, मुझे लग रहा है 1 मंथ हो गया अपनी बाइक को वॉश करवाए हुए, पर मैं सोच रहा हूँ मैं ना बाइक थोड़ा साइड पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना एकदम से यार गाड़ी आ रही है ना। ये जो टाइम चल रहा है ना इस वक्त ना, मैं बिल्कुल ही वीडियोस डाल ही नहीं रहा, रेगुलर छोड़ के तो मैं 3 दिन बाद में डाल रहा, वरना मैं 3 दिन बाद ना हमेशा वीडियो डालता ही डालता था, बट अब मुझे बहुत बहुत टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। ये पता नहीं कौन से रास्ते से आया, यहाँ से सनसेट भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी ना वीडियो नहीं डालने का मेन रीज़न बस इतना सा है, जब बारिश का मौसम है इसके कारण तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, मैं थोड़ा सा मतलब बिजी भी चल रहा हूँ, कुछ मतलब काम है, अभी बता नहीं सकता, आने वाले टाइम पर बता दूंगा, बट अभी फिलहाल नहीं बता सकता। तो उस काम के चक्कर में ना मतलब मैं थोड़ी वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, बट मेरी यही कोशिश है कि मैं सोच रहा हूँ ना जल्दी ही मैं वापस ना मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है मैं वीडियोस नहीं डाल रहा ना, जिससे मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, और व्यूज़ तो डाउन होंगे ही, वो तो मुझे पता ही है, पर चलो जितना भी प्यार मिल रहा है बहुत है अपने लिए। मैंने आज तक जितना यूट्यूब से एक्सपेक्ट किया ना मुझे हमेशा उससे ज़्यादा ही मिला है, तो मेरे लिए वो भी बहुत है, चाहे जितने मुझे व्यूज़ हैं। वीडियो तो अपनी कभी बंद होगी नहीं, तो हमेशा चलती रहेगी, जब मैं बातें करता हूँ ना तो मैं एकदम से बाइक आगे नहीं। ओ भाई क्या बंदा है ये, RC वाला तो भाई एकदम से ऐसे हो गया था। ये किसकी फोटो चल रही है यहाँ पर, ये मुझे पढ़ना नहीं आती, अगर आती तो मैं पढ़ता। आया यहाँ का लीन, बहुत टाइम बाद यार लीन कर रहा हूँ आज बाइक, लीन का कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं, चाहे बेशक बाइक चलाए 1 महीना भी हो जाएगा ना, लेकिन जो लीन का कॉन्फिडेंस ना ये मेरा लूज़ नहीं हो सकता। भाई ये क्या कर रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है MT के साथ। ओ भाई MT बस ड्यूक फुल एंजॉय पे चल रही हैं दो बाइक्स, वैसे वो बाइक 155 cc की बाइक है और ये तो 250 है, ये तो कहाँ मानेगी, बट उसके बावजूद भी वो बाइक ना मेरी फेवरेट है। अरे खड़खड़ पता नहीं क्या कर रहा है, खड़खड़ का जहाँ उसकी बाइक से आ रही है जहाँ मेरी बाइक से साउंड आ रही है। भाई अभी मैं चाहूँ ना तो मैं आगे निकल सकता हूँ, बट मैं खुद नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं आगे निकल नहीं रहा। यार टक्कर तो दे रही है, ऐसी बात नहीं है, ये देखो बाइक आप कौन सी भी लो बंदे की स्किल्स मैटर करती है यार। भाई चप्पल में बाइक चला रहा है लेकिन सही तो नहीं है, बट ठीक है यार अपना अपना हर बंदे का ओपिनियन होता है। जिस बंदे को चप्पल में कंफर्टेबल लग रहा है वो चप्पल में चलाएगा, हमें शूज़ में लगता है तो हम शूज़ में चलाएंगे। ऐसा तो मैंने भी मार्केट वगैरह जाना तो मैं भी चप्पल ही पहनता हूँ, शूज़ तो मैं भी नहीं अवेयर करता। भाई बस वाले ने एकदम से यार ब्रेक कर दी,
तो भाई स्टॉप ही मारने वाला है। भाई व्हीली मार रहे हैं यार, वैसे बीच रोड पे तो व्हीली करना सही तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब गाड़ियां आ रही हैं अभी पीछे और गाड़ियां रुक गई हैं। ओ क्या भाई यार, आगे देख के चलाना चाहिए बाइक को, थोड़ा सा भी अगर ध्यान चले जाए ना बंदे का, एकदम से बाइक कहां से कहां पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलता। यहाँ पर फिर से गीला रोड, इस गीले रोड पे ना यार बाइक चलाने का मज़ा नहीं आता, मेरे टायर तो वैसे रेडियल हैं एकदम से स्लिप ही कर देंगे अगर मैंने लीन किया बिल्कुल गीले रोड पे। बाइक की क्या स्केल है यार, सच में मतलब पसंद आ गई यार बाइक भी, और भाई तो पसंद आया है यार जिस तरह की वो बाइक चला रहा है। भाई ये बंदा ना पानी वगैरह नहीं देख रहा, जैसे मैं मतलब पूरा पानी में देख रहा हूँ ना, ये पानी को इतना नहीं मतलब वो कर रहा, मतलब मुझे तो डर लगता है कि स्लिप ना खा जाए, बट इस बंदे में ना बिल्कुल ही वो डर ही नहीं है। हो सकता है यार ये बारिश में भी चलाता हो बाइक इतनी ज़्यादा, मैंने बारिश में बाइक चलाई है बट कभी रैश नहीं किया जिस तरह ये अब लीन कटिंग वगैरह कर रहा है, क्योंकि इतना सा भी स्लिप ना जान ले सकता है आपकी। आज इतना टाइम बाद मैं वीडियो बनाने चल रहा हूँ ना, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है जब वीडियो बना रहा हूँ वापस से। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने YouTube बंद ही कर दिया, जब मैं खुद का चैनल खुद देखता था ना ऐसा फील होता था जैसे मैंने चैनल बंद कर दिया, पर होपफुली सब अच्छा ही चल रहा है और आगे लाइफ में अच्छा चलना भी चाहिए। ओए ओ ओ ओ छोटा बच्चा, छोटी सी कौ आगे थी आगे अपने, मुझे थोड़ा रोड अच्छा मिल जाए ना, अगर मैं सच बता रहा हूँ रोड अच्छा मिलता ना मैं बाइक को सच में बहुत ज़्यादा भगाता। अपनी बाइक की ना चैन भी लूज़ है जिस कारण ना खड़खड़ करेगी आवाज़ सुनना, देखना। ओ भाई मेरा ध्यान हट गया था यार, ये चीज़ होती है जब इतना सारा ध्यान बंदे का हट जाए ना, एकदम से बाइक इस पर लग जानी थी। क्या बोलूँ यार, वर्ड्स ही नहीं इस बंदे के लिए, बाइक और फुल मतलब मस्ती में बाइक चला रहा है, यही मजा है यार। जो एज रहती है ना अपनी 20 से लेके 28, 29 या 30 तक, यही मतलब टाइम रहता है बंदे का सही मतलब मज़े करने का, कि आप बाइक पर हाँ करो इन्जॉय, उसके बाद तो फिर काम वगैरह में इंसान पड़ जाता है। काम में ऐसा नहीं कि वो 25 में नहीं पड़ता, काम वो 25 में भी पड़ता है, कुछ लोग 21 में भी पड़ते हैं, लेकिन जो मेन है ना कि मतलब ये जो एज है, ये जो एज का नंबर है, ये तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो टाइम एक बार निकल गया ना वो निकल गया, तो ये जो टाइम है ना थोड़ा सा भी टाइम निकलता है आधा घंटा एक घंटा निकाल के इंजॉय करो, ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ ही जाना है, एक दिन भी निकालो राइड के लिए और इंजॉय से जाओ। जब कभी ज़्यादा तेज़ बाइक चलाता ना तो मेरा बोलने का मन नहीं करता, पूरा ध्यान मेरा बाइक पे चलाने पे होता है। मैंने यहाँ से देख लिया गिर गया था यार ये बाइक से, बस गया, मुझे लगता है व्हीली कर रहा था शायद तभी अनबैलेंस हुआ होगा। भाई मैं तो तभी कहता हूँ उतना चलो जितना तुम सेफ चल सकते हो, ज़्यादा भी मतलब हाइपर मत हो जाओ, किसी को देख के तो मत ही सोचो कि हाँ बहुत तेज़ चलानी है, हर बंदे का अपना अपना कंट्रोल होता है बाइक्स पे, किसी को देख के तो कभी मैं भी नहीं इतना तेज़ चलाता, अब जितना मैं कंट्रोल पे चला सकता हूँ मैं भी उतनी चला रहा हूँ, ज़्यादा अनकंट्रोल चला ली बाइक तो फिर तो बचूंगा नहीं बचूंगा खुद का भी नहीं पता। यहाँ पर लगाते हैं बाइक, नहीं क्या सीन होता, मैंने देखा वो बाइक क्या अनबैलेंस हो गई थी उधर, हाँ देखा मैंने दूर से देखा व्हीली, तब व्हीली कर रहे थे, व्हीली कर रहे थे तभी अनबैलेंस हो गई। तो गाइस अभी हम चला रहे हैं MT, और ये बाइक ना अखिल बाइक है, यूट्यूब चैनल भी है अखिल स्टंट, तो ये मुझे बता रहे हैं जो इनकी ये बाइक है 156cc की बाइक है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना मुझे पता था 150 मतलब 5 तो मुझे पता था, बट ये 156 है, तो इसे थोड़ा ना भगा के देखते हैं बाइक को पहले कैसा रिस्पॉन्स है यार बाइक का। बाकी अगर थ्रॉटल की बात करूँ ना तो थ्रॉटल जो इनिशियल वाला है वो अच्छा है, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम से ना भाग रही है। ओला ओला ओले बोल रहा हूँ, भगाते हैं सेकेंड गियर है, देखते हैं कितना जाती है।
थर्ड गियर, थर्ड गियर पे देखते कितना टच करती है, 90 देखे थर्ड गियर पे टच करती है। थोड़ा स्लो करते हैं बाइक को, बाकी भाग रही है यार। फोर्थ गियर देखते कितना जाती है, फोर गियर में अच्छा इनिशियल है। यहाँ पर करते हैं टेस्ट अभी, फोर गियर कितना जाती है लास्ट, 97 तक यही है, 100 फोर गियर, 103, 6, 7, 107 तक जाती है फोर गियर में। थोड़ा स्लो कर देते हैं बाइक को अब, और अपने साथ अभी लगा दिया रेस। अभी मेरा रेस करने का मूड नहीं है, वरना मैं पक्का रेस करता। इसको टर्न कर लेंगे, यहाँ से रास्ता है यार। इसके इंडिकेटर कहाँ पर है, यहाँ पर इसका इंडिकेटर होना चाहिए ना, वहाँ पर इसका से हॉर्न लग रहा है। जैसे ये वाला ब्रेकिंग करने में ना थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस है इस बाइक में, इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। जैसे मेरी बाइक में, मेरे बाइक में तो यहाँ पर हॉर्न होता है नीचे, इसमें यहाँ पर है ऊपर, और ये नीचे। इसमें उल्टा ही दिया यार एमटी में भी सब कुछ, मतलब जिस हिस्से की ये बाइक है और जो उसमें पावर दी हुई है वो एकदम सही है। बाइक ना ब्रेक करते वक्त काम जाती है, वैसे एक चीज़ तो है, अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी काम पर ही थी ये ब्रेक करते वक्त। और हाइट भी ठीक है मेरे हिसाब से, तो वैसे सही है जिस तरह की मेरी हाइट है। थोड़ा सा बाइक आगे से आपको लुक दिखाऊं, ये देखो क्या बाइक लग रही है ना। यहाँ से इसने शायद वो करवाया हुआ, इस पर टेपिंग है, इसमें लगता है आई थिंक फ्लैशर्स भी हैं। मुझे लगता है इसके वाले ऐसे ऑन होते हैं, हाँ ऐसे ऑन होंगे इसके फ्लैशर्स। ये देखो, अब देखो आगे से फ्रंट से कुछ इसकी लुक, क्या बाइक लग रही है भाई ये। रोल ना बाइक की लुक बहुत अच्छी है। ये ड्यूल चैनल है, यहाँ पर भी एक सिंगल रिंग है चैनल के, यहाँ पर भी ड्यूल चैनल है। वैसे ये इंडिकेटर में ये देखो पानी चला गया, इंडिकेटर वैसे मुझे लग रहा है सही नहीं है, जिस तरह से इन्होंने बनाया था इसके अंदर पानी चला गया। जैसे आपने कोई तीसरा बंदा बैठाना तो उसके लिए सही है, मुझे पता नहीं प्रॉपर तीसरे बंदे के लिए है। इस पे ना आप सामान वगैरह रख सकते हो, कोई आप टूरिंग पे जा रहे हो, ये यहाँ से आप रस्सी वगैरह बांध के अपना सामान रख सकते हो। पर दो बंदे बाइक पे बैठ रहे हैं, ये बस इंजन को बचाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है ये वाला लेग गार्ड। बाकी जो ये पूरी बाइक है, अगर ये क्रैश होती है तो ये नहीं बचेगी। रोड क्लियर है, फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में देखते हैं कितना जाती है बाइक। अभी मेरे हेलमेट में ना फॉग हो गई थी तो मुझे दिख नहीं रहा था, पता नहीं कितना गया फर्स्ट गियर में। अब सारा फॉग क्लियर हो गया भाई, अपना बहुत देर से वेट कर रहा था यार। वो देखो अपनी बाइक पे बैठे हुए, वो सोच रहा हूँ कि कहाँ चले गए इतनी देर से। इसको लगाते हैं अपने ड्यूक के साथ, स्माइल कर रहे हैं, मजा आ गया चला के सच्ची में। मेरे को लगा नहीं था इतना मजा आएगा बाइक को चलाने में, पर सही में मतलब ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही हल्की भी लग रही, चलती है बिल्कुल रोड था। बस इसमें ना मुझे ब्रेक का लगा थोड़ा, ब्रेक इसकी मैं बोल रहा हूँ दूसरी सर्विस भी नहीं करवाई अभी, दूसरी नहीं तीसरी सर्विस नहीं करवाई। कितनी देर हो गई है अभी, चौथा महीना है। मैं थोड़ा मुझे लग रहा ना ब्रेकिंग, मुझे थोड़ा लगा ब्रेकिंग में ना थोड़ा वो करती है, वाइब्रेशन होती है ना, थोड़ा सा वाइब्रेशन करती है अगर एकदम से रोकनी हो तो। रिंग लाइट आती है इसके, वो भी डलवानी है। अच्छा यहाँ पर टोटली मॉडिफाई करवाऊंगा उसकी जरा। ये दो लाइट मतलब ऐसे ही है, ये होती है मेन मेन ये है ना, मतलब एक ही बल्ब है इसमें मेन, बाकी तो ये ऐसे लुक के लिए, जैसे DRL होता है, जैसे मेरी बाइक का ये वाला DRL है ना, वैसे इसका ये DRL है। अभी हम जा रहे हैं ब्रिस्टा कॉफ़ी पीने, पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा कैमरा लैग कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इतना हिल रहा कैमरा। वो गाड़ी देखो यार कितनी बड़ी जा रही है, पहले ही चले गए। चलो बैठते हैं अंदर ये साइड पे, पीते हैं कॉफ़ी, ठीक है कॉफ़ी पी रहे हैं ना, तो कड़वी है, पता कितने की, कितने की कॉफ़ी है अपनी बाइक की शाइनिंग कितने लग रही है। ये चीज GoPro में दिखनी थी, इसे मैंने फोन से दिखा रहा हूँ, मतलब अभी शाम हो गई ना और बाइक कितनी मतलब खतरनाक लग रही है। ये पूरा रैप है ना अब सही लग रहा है, अगर शाम हो गई तो फिर रैप अच्छा लगता, बट अभी सही लुक आई है रैप की। तो यहाँ से निकलते हैं, बाकी यहाँ पर ट्रक भी है देखो, आधा ट्रक है पूरा नहीं है। तो लेट्स गो, यहाँ से अब निकल रहे हैं, अभी मैं आपको मिलता हूँ कटरा जाके, क्योंकि अब बिल्कुल अंधेरा है तो अब आपको भी कुछ भी नहीं दिखेगा पूरे रास्ते, तो चलो मिलते हैं कटरा जाके। अब आज तो पूरे रास्ते मैंने MT चलाई है और उसको चलाने का ना पूरा मतलब फील आ गया। उसके क्लच का जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल सही लग रहे हैं, एकदम से ना आगे है, मतलब थोड़ा सा भी आप वो करोगे मतलब छोड़ोगे ना एकदम से पुश, इसका अच्छा है
अपनी बाइक का भी अच्छा ऐसी बात नहीं है, बट मेरी बाइक का जो क्लच है ना, जो मैंने बर्न आउट किया था वो थोड़ा सा ना अब ज़्यादा आगे करना पड़ता है फिर बाइक चलती है, इसका बस थोड़ा सा करो तो एकदम से आगे चलती है। एमटी चलाने के बाद ना इसको कुछ अलग फील आ रहा है, मतलब बड़ा अलग लग रहा है यार एमटी, उसमें बड़ा फ़र्क है, इसका कुछ फील ही अलग है चलाने का, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी भाग रही है। और जो ग्रिप वाली है जो है ना ग्रिप, उसके थोड़े मतलब मोटे हैं, इसके तो ग्रिप पतली है स्ट्रॉक ही है, पर वो थोड़ी मोटी मोटी सी, पर यार अलग लग रहा है ये बाइक चलाने के बाद। बस थोड़ी ना इसमें चैन सेट का ही है, इसमें बस थोड़ी चैन का है, चैन टाइट करवाऊंगा तो वापस पावर पकड़ लेगी, क्योंकि अभी ना एक चैन का काम है टाइट करवाने का, दूसरा क्लच का।